नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। धर्म बदलो या फिर घर बेचकर चले जाओ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक हिंदू परिवार को चेतावनी मिली। मुस्लिम आबादी वाले इलाके में एक हिंदू परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए वहां के मुस्लिम लोग दबाव बनाते हैं और ऐसा नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर मुस्लिम बहुल्य इलाके में रह रहे हिंदू परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़िता दीपा ने जबरन धर्मांतरण से परेशान होकर अपनी शिकायत में कहा था कि मोहल्ले में मुस्लिम आबादी होने के कारण लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं और ऐसा नहीं करने पर मकान बेचकर चले जाने को कहते हैं। उसने कहा कि जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। महिला ने उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की शांति भंग करने और आपराधिक धमकी देने के साथ अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान है। महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तित कराने पर 2 साल से 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। वहीं अगर कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है। इसी तरह अगर कोई संगठन ऐसा कराता है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। हमारे देश में धर्मांतरण का गंदा खेल अपनी जड़ें जमा चुका है। ईसाइयों और जिहादियों ने मिलकर इस देश में कोहराम मचा रखा है और अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं। सनातन धर्म को टारगेट करके ये जिहादी और ईसाई अपनी आबादी और देश में दबदबा बढ़ाने के लिए अपने मजहब में लोगों का इजाफा चाहते हैं। इसलिए ये सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा कर या उन्हें पैसों और नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और अगर लोग इनके झांसे में नहीं आते तो ये जिहादी और ईसाई सनातनियों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। आप इन कट्टरपंथियों के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।